सब्सक्राइब करें बियॉन्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सवाल जो है वो है, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो एज टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम जो है सॉल्यूशन के तहत देखिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ये मैक्सिमम तब भी होगा जब अल्फा का मान जो है वो 45 डिग्री होगा। हम कहेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 अल्फा का मान 1 होगा, यहां से अल्फा का मान 45 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आपको मिला वो कितना था, 45 डिग्री, क्लियर है। तो यहां पे अगर आप 45 की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो आपको r इज इक्वल टू मिलेगा u स्क्वायर अपॉन जी, क्लियर। ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g है, मतलब अल्फा का मान 45 डिग्री है। तो h इज इक्वल टू, मतलब ये h मैक्स हुआ, ये रखेंगे h मैक्स, ये यहां पे r मैक्स, ठीक है। तो ये h मैक्स होगा u स्क्वायर, क्लियर है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री भागा 2g, मतलब यू स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 2g, क्लियर है, मतलब यू स्क्वायर अपॉन आपका 2 कितना हो गया 4g। सवाल में कह रहा है कि आर मैक्स और एच मैक्स बराबर है, तो मतलब आर मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स, मतलब u स्क्वायर अपॉन g जो है वो बराबर है u स्क्वायर अपॉन 4g के, g से g कैंसिल, क्लियर है, आ रही बात समझ में, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, क्लियर है। तो आपको यहां पे मिला, आपको यहां पे मिलेगा h मैक्स जो है इज 4r मैक्स, ठीक है। तो सवाल एक बार वापस देख लीजिए, आपको प्रूफ क्या करना था, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, सो दिस इज द आंसर।